हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन की रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ कैरमलाइज्ड कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बनाने में भी इसको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कैरमलाइज्ड कस्टर्ड पुडिंग। उसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने ये 6 स्लाइसेस ब्रेड की ली है, इनके मैंने एजेस कट कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड लिया, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आता है वो व्हाइट मैदे ब्रेड का ज्यादा अच्छा आता है। और ये मैंने लिया है वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने लिया है इस बोल से हाफ बोल, आप देख सकते हैं इस वाले बोल से हाफ बोल लिया है। और शुगर मैंने लिया है 1 बोल, ये वाली सेम बोल मैंने लिया है। आप कोई भी मेजरमेंट के लिए सेम बोल या कप यूज करिएगा। और ये मैंने ली है शुगर पूरी फुल ली है, 1 ग्लास मिल्क लिया है, पूरा फुल है ये मिल्क। तो सबसे पहले, क्योंकि ये कैरेमलाइज्ड है, कैरेमल ब्रेड पुडिंग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुगर को कैरेमलाइज करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। आप कोशिश ये करिए कि नॉनस्टिक कढ़ाई ले। यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई हल्का जब आपके गर्म हो जाए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुगर को कैरेमलाइज करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये वाली स्पून ली है। इस स्पून से मैं 1 स्पून 2 3 एंड 4, ये 4 स्पून में जो है शुगर डाल रही हूँ कैरेमलाइज करने के लिए शुगर को। और इसमें बिल्कुल भी हम पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ यहाँ पे हमने शुगर ली है। तो शुगर को अच्छे से कैरेमलाइज होने देते हैं। ये देखिएगा, अपने आप ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हैं इसको, ये मेल्ट होने लग गई है। अगर आप नॉनस्टिक नहीं लेंगे तो वो स्टिकी हो जाएगा और कढ़ाई में चिपक जाएगी जितनी भी शुगर है, इसीलिए इसमें नॉनस्टिक का ही यूज करिएगा। चलाते रहिएगा, बिल्कुल टॉफी का जैसा कलर इसमें आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं शुगर बिल्कुल मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी अच्छे से ये जो कलर आना चाहिए, जो टेक्सचर इसका आना चाहिए, वो नहीं आया है। एक अच्छा सा टेक्सचर इसमें आएगा, बिल्कुल टॉफी के जैसा कलर। ये देखिएगा अब जो है ऑलमोस्ट कलर इसका आ गया है। हल्का हल्का इसको मोर चलाएंगे, ये देख सकते हैं आप, देखिए ये थोड़ी देर और इसको करके, और ये देखिए अब देखिएगा, बिल्कुल ये पूरे अच्छे तरीके से हमारी कैरेमलाइज हो गई है शुगर। और इसको तुरंत ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे बोल में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये ले रखा है एक मोल्ड जिसमें मैं बनाऊंगी, तो मैंने वहां पे इसको ट्रांसफर कर दिया है। इसको तुरंत ट्रांसफर करिएगा वरना ये इसमें स्टिक हो जाएगा पूरा, ये देखिएगा। और इसमें इस तरीके से इसको पूरा फैला देंगे, ये अच्छे से कैरेमलाइज हो चुकी है शुगर। तो ये आप देख सकते हैं कैरेमलाइज शुगर को मैंने इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है पूरा। और ये बर्तन जो है अभी हल्का गर्म है, तब तक इसको हम साइड रख लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं जो ब्रेड के पीसेस है इनको कट कर लूंगी अच्छे से, क्योंकि हमने ये जो है मिक्सर जार में डाल के अच्छे से इनको पीसना है, इनको ग्राइंड करना है। तो इस तरीके से इसके पीसेस आप पूरा कट कर लीजिएगा। इसके बाद हम मिक्सर जार में इनको डाल देंगे, और हमने ये जो है बिल्कुल महीन बनाना है इसको, तो इसलिए आप ये थोड़ा थोड़ा करके इनको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो ये मैंने जो है सारा इसको पीस लिया है, और ये देख सकते हैं आप इस तरीके से बिल्कुल महीन पीस चुका है, क्योंकि हमने ये महीन पीसना है तभी वो अच्छे से बन पाएगी पुडिंग जो है। अब यहाँ पे गैस में ये ग्लास का जो दूध है मैं इसमें डालूंगी, ये पूरा दूध डाल देंगे, एक ग्लास दूध, और गैस ऑन कर देंगे यहाँ पे। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे इसी चम्मच से। आप शुगर अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, क्योंकि कोई ज्यादा लेता है कोई कम लेता है। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच चीनी के डाल रही हूँ इस चम्मच से। और यहाँ पे जो गैस में दूध रखा हुआ है इसको हम हल्का हल्का चलाएंगे, तब तक यहाँ पे गैस ऑन रहने दीजिएगा। साथ में जो हमने ये कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये कस्टर्ड पाउडर में मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, कि मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया था। पानी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल लम्स नहीं पड़ने चाहिए, लम्स पड़ गए तो फिर वो लम्स ही हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये मैंने यहाँ पे कस्टर्ड का वनीला फ्लेवर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल
दूध जो खोल रहा है इसमें हम डाल देंगे। गैस मैंने यहाँ पे अभी लो कर दी है, लो फ्लेम पे। पहले शुगर हम अच्छे से इसमें शुगर डिजोल्व हो जाए, अभी शुगर जो है वो घुली नहीं है अच्छे से, ये देखिएगा। अब यहाँ पे मैं इसमें ये डाल दूंगी सारा कस्टर्ड पाउडर, और ये बिल्कुल आपको स्टिर करते रहना है, चलाते रहना है। अगर चलाएंगे नहीं तो लम्स पड़ने के चांसेस रहते हैं, तो उसको बिल्कुल कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहिएगा इस तरीके से। और गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो कर दीजिएगा, ना हाई फ्लेम होनी चाहिए ना बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहिएगा। और कोशिश करिएगा नॉन स्टिक में ही बनाए। आप देख सकते हैं ये जो हमने डाला था इसमें कस्टर्ड, उससे ये गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे मैं गैस बंद कर दूंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने ब्रेड पुडिंग बनाई है वो थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। वो एक साथ ज्यादा मत डालिएगा, एक साथ डालने में गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले थोड़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें गैस यहाँ पे बंद कर दीजिएगा, इसके बाद हम और डालेंगे इसमें। और अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स करिएगा। देखिएगा कितना अच्छा टेक्सचर इसका आ रहा है। तो जो ये बचा हुआ था ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस ये ख्याल रखिएगा ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए आपके, कहीं पे भी गांठे सी ना रहे, वरना जब हम कट करेंगे पुडिंग तो उस समय फिर अच्छे से कट नहीं हो पाएगा और बीच बीच पे गांठे भी आपके आते रहेंगी। ये पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे जिसमें हमने शुगर कैरमलाइज करी थी वो वाला बर्तन हम लेके आएंगे, इस वाले बोल में मैं इसको पूरा मिक्सचर को अच्छे से ट्रांसफर कर दूंगी। ये जो आप जिसमें केक बनाते हैं केक टिन जो है उसमें अपन आइएगा, इसको कोई भी मोल्ड लेके इसमें पूरा अच्छे से इस तरीके से इसको स्प्रेड कर देंगे। तो ये इसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया, उसको इक्वल कर दूंगी मैं ऊपर से, ये देखिए। अब यहां पे इसके बाद एक एल्यूमिनियम फॉइल से मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी। ये नॉर्मल एल्यूमिनियम फॉइल मैंने लिया है, इसको यहाँ पे इसको अच्छे से पूरा ढक देना है और इस तरीके से पूरा बंद कर देंगे। ये मैंने अच्छे से ढक दिया है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने को रखा है क्योंकि हमने इसको स्टीम देना है, तो गर्म पानी के ऊपर हम ये स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर ये जो बर्तन है इसको इस तरीके से रख देंगे पूरा। और यहाँ पे इसको मैं एक बर्तन से अच्छे से ढक दूंगी ताकि जो स्टीम है इसमें रहे अच्छे से। और ये कम से कम आपको 20 से 25 मिनट आपको उसको स्टीम देना है। और यहाँ पे मैंने जो गैस है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दी है और 25 मिनट यहाँ पे इसको रखेंगे। बीच में 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आप चेक करिएगा कि पानी इसमें कम तो नहीं हो, अगर पानी कम होगा तो हम इसमें पानी और डाल देंगे। तो तब तक 20 मिनट मैं इसको स्टीम रहने देती हूँ। तो ये मैंने पूरा 25 मिनट्स रखा था। 25 मिनट्स बाद मैं इसको जो कवर है इसका खोल के देखते हैं, तो ये देखिएगा आप, ये अभी हल्का हल्का गर्म है। और इसे मैं हल्का ठंडा करके, बिल्कुल ठंडा नहीं हल्का ठंडा करके, उसके बाद 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूंगी। 2 घंटे हमने इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है। तो अभी ये ठंडा हो जाएगा, उसके 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको उसको दिखाऊंगी अच्छे से। 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल के आप देख सकते हैं एक पीस मैंने ये कट करके रखा हुआ है और आप ये देखिएगा कि कितना सॉफ्ट लग रहा है और इजीली कट हो गया था। बहुत अच्छे से आप इसको बना सकते हैं, बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चों का तो स्पेशली ये फेवरेट होता है। तो मेरा ये कैरेमलाइज्ड कस्टर्ड पुडिंग बनके बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।